रिएक्शन वीडियो। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का रिएक्शन होगा नॉट योर टाइप की वीडियो, जो कि आपने यूट्यूब पे काफ़ी बार देखी होगी, काफ़ी हंसी और फनी वीडियो बनाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नई वीडियो आई है जो कि एक मिथ से पुरानी मिथ होती है, उस पुरानी मिथ होती है जो भ्रम फैला रखते हैं आदमियों, उस पर इसकी वीडियो रिलेटेड ऐसी ये वाली। एक नींबू, एक मिर्ची, चला जा यहाँ से, थोड़ा नमक, काली मिर्च और थोड़ा चिली सॉस, बढ़िया बना देते हैं नूडल्स गुरु। ये बेचारी की आंख मर गई। अंधविश्वास। देखो मैं इन सब बातों में नहीं मानता, तो एक दिन ऐसे घर पे कांच फूटा मेरे मुंह पे, तो मैं भग के गया डॉक्टर के पास। उधर वो बोल रहा है, देखो आयो, कांच का फूटना अपशगुन होता है, इससे 7 साल तक का बैड लक मिलता है। और यार मेरे सेटिस्कोप में अनुप जैन बजाना बंद कर यार गवार, अब तो सिद्धू मुंह से आड़ा बजा रहा है। ओ नहीं नहीं, ये तो पाजी के दिल की आवाज है। ओ मच्छर पे आड़ पाजी नहीं। निशाना नहीं लग रहा है एक भी। कहीं देखा होगा शायद। मर गया मच्छर पाजी, बैठ जाओ फिर जाके। देखो आयु, बहुत बेकार चीज है, तुम्हें मैं बाबा विशु विशु जी का नंबर देता हूँ। मैं इन सब बातों पे यकीन नहीं करता डॉक्टर। अरे बहुत बड़े इंसान है यार वो, तुम जो भी सोचोगे उन्हें पहले ही पता चल जाएगा। नहीं अब इसकी सोच पे देखिए, सारा गंदा गंदा सोचता है। वो मत सोचना। नहीं ये भी नहीं, ये तो मेरे भी दिमाग में आया था। देखो आयो तू, छी, वो एक संत आदमी आयु, ये क्या सोच रहे हो उनके साथ, अब तुम मेरे साथ सोच रहे हो। अरे सॉरी यार, कांच फूटा है सर पे, ऐसी सब चीजें चल रही दिमाग में, चला जाऊंगा बाबा बीसी बिशु के पास, तुम इलाज करो यार। अच्छा है आयु, लेकिन सैडली अब बहरा होने के कारण मैं तुम्हारी हार्ट बीट्स नहीं सुन पाऊंगा, इसलिए मैंने रेमो को रखा है जो सबकी हार्ट बीट्स मुझे साइन लैंग्वेज में बताएगा। अभी काफी नया रेमो होता ना, क्या नाम से एबीसीडी में एक बंदे का नाम था रेमो, जो डांस सिखाता है, रेमो सर है ना, डांस गुरु लड़का, लेकिन जल्दी सीख जाएगा। क्या दिक्कत है इन्हें रेमो सर, इनको ना। Wow. ओ, इसका मतलब इन्हें कैंसर फर्स्ट स्टेज है। नहीं है? Oh my God! अच्छा फोर्थ स्टेज है। अरे तो बेवकूफ, फोर्थ स्टेज के लिए सिखाया था ना तुम्हें, ये देखो। अब वो लंच ब्रेक के बाद ही वापस आएंगे, तब तक मैं भी एबीसीडी 3 बना के आ जाता हूँ। चलो स्लो मोशन राघव और गणेश आचार्य। इतने अजीब अपशगुन आ रखे हैं मार्केट में, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, मतलब कोई भी चीज 3 बार नहीं करनी चाहिए। तो मैंने 4 बार पिला दी दादाजी को दवाई, ऑफ कोर्स मर गए वो, लेकिन शुभ तरीके से। ऐसे रात में ओम बन के पड़े हुए थे बाथरूम में। मुझे एक चीज जानना है, ये कांच फूट जाना, केची चलाना, ये सारे अपशगुन पता कैसे चल रहे हैं, क्योंकि नॉर्मल लाइफ में भी ये चीजें कौन करता है। सोचो ऐसे 2 दोस्त खड़े हुए हैं, कल तो ऑफिस की छुट्टी है ब्रो, क्या प्लान्स? यार आज तो बड़ी जोर से चप्पल उल्टी करने का मन कर रहा है यार, मन कर रहा है रात भर कम्बल में सीटियां मारूं और पैरों के नाखून काटूं, फिर एक सुंदर सी नेल पॉलिश लगाऊं ब्रो। मस्त, आखिरी वाला तो अपशगुन भी नहीं था। मैं इंटरनेट पे पढ़ रहा हूँ, बंदी अपने बंदों पर काला जादू कर रही है, फिर कहीं बंदे अपनी बंदियों को फ्रिज में डाल के अलग कर रहे हैं, फुल मैजिक शो बना के रखा है। अरे ये मैजिक ट्रिक तो मैंने बहुत देखी है, अभी तूने तेरी बंदी को फ्रिज में डाल के अलग कर दी, अपनी बंदियों को फ्रिज में डाल के अलग कर रहे हैं, फुल मैजिक शो बना के रखा है। अरे ये मैजिक ट्रिक तो मैंने बहुत देखी है, अभी तूने तेरी बंदी को फ्रिज में डाल के अलग कर दिया है, अब तू इसे वापस जोड़ देगा है ना, और जोड़ उसको। क्या मतलब क्राइम पेट्रोल का एपिसोड चल रहा है? मुझे ये जानना है, इंडिया में कौन सा हागवाड़ का टीचर है जो सबको काला जादू सिखा रहा है? मंजुलिक हागवाड़, वो क्या नाम से एक सबरीना वाला मूवी, सबरीना एक वेब सीरीज थी, उसमें आता है हागवाड़ नाम था उसका। जी स्वागत है आपका TRS पे। शुक्रिया बच्चे बुलाने के लिए, अपनी उम्र बताना। वो तो मैं लड़कियों के हिसाब से ही बताता हूँ, कभी 20 कभी 16 कभी 14 और कभी कभी तो वैसे मंजुलिका जी, आप ये काला जादू कब से सिखा रही है? बहुत समय से बैठे हैं, चीज बोले। ओ नो नो, चीज नहीं, नो फैब। तो मंजुलिका जी, सिर्फ हमारे व्यूअर्स के लिए
ये काला जादू होता क्या? वाओ 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 वाओ, तो ये होता है काला जादू। लेकिन मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगा, इससे अच्छा काला जादू मैं कर सकता हूँ, ये देखिए। कितना सिंपल है। अरे ये क्या हो रहा है, मेरा पैंट क्यों खुल रहा है? अरे 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 काफी अच्छा लगा मंजू लेकर। रणवीर बियर भाई साहब, भाई सुन। ओए हीरो क्या हुआ? शूट चल रहा है, बोला ना वो चुड़ैल है तुझ पे काला जादू कर रही है। यस, मैंने फाइनली मार दिया उस जादूगरनी को। अरे नहीं, ये तो काला जादू था, मैंने शायद रणवीर को मार दिया। रणवीर भी जिंदा है तो फिर मरा को ये क्या? आजकल के लोग काफी अजीब है, खुद ही मर गया और खुद ही मर जाते हैं। मुझे याद है बचपन में मेरा एक दोस्त था नीबू, जिसे जुबान पर तेल था, और ऐसा कहते हैं जिसकी भी जुबान पर तेल होता है वो जो भी बोलता है सच हो जाता है। लेकिन नीबू गूंगा था, वो किसी को गाली भी देता था तो बहुत बढ़िया बेटे, अच्छा ट्राई था बहन, तक तो तुम पहुँच गए थे, लेकिन वो जो लॉ था वो तुम्हारे मुँह में फंसा रह गया। एक सेकंड, क्या? नीबू ऐसा बोलता था कि भगवान खुद कंफ्यूज हो जाते थे कि साला सच क्या करना है। अबे ये साला गूंगा बोल क्या रहा है, क्या सच करूं कुछ समझ ही नहीं आ रहा। सुनो, इनमें से एक उंगली पकड़ो। रुको जरा, मैं उन बच्चों को अलग कर रहा हूँ जो अर्थ पर जाकर क्रिमिनल बनने वाले हैं। अरे ये देखो क्रिमिनल। ओ मेरा बच्चा क्रिमिनल बनेगा नीचे जाके। हाँ क्रिमिनल बनेगा तू, बोल बोल बनना क्रिमिनल। ऐसे करते हैं क्राइम का सफाया। अरे प्लीज तुम उंगली चूज करो ना यार, मैंने कहा मैं तो काम। अरे नहीं उसे पकड़ो। ए वहीं पे रुक, वहीं पे। उसे पैराशूट लेने मत देना। अच्छा है वो दरिंदा बिना पैराशूट के ही कूद गया। मतलब एक चुलबुला बच्चा नीचे आ गया जमीन पे। अच्छे बच्चे का गला वाले का। चश्मा कहाँ से आया? आई एम सॉरी, आपके बच्चे का गला घोटा हुआ आया है, वो भी पैराशूट के धागे से। एक सेकंड, लगता है अंदर और भी कोई बैठा हुआ है। देखो अंदर जो भी है बाहर निकलो। देखो मैं बस तीन तक गिनूंगा। हमने एक दरिंदे को खुला छोड़ दिया। अरे तुम उंगली चूस करो ना, मैंने कब से आंखें बंद कर रखी है। तुम्हें पता है अंधविश्वास को काफी सारे लोग अपने फायदे के लिए भी यूज करते हैं और अपने ओपिनियन को भी। आओ नीमू मिर्ची एक शैतान है, और अगर नहीं तो तुम इसे नीमू मिर्ची का चकला बनाओगे और पार्टी करके शैतान को हक भी दोगे। कैसे राक्षस लोग हैं, आज मम्मी फिर से डांटेगी। आ गए साहब जादे, आज किसी को मार के पाप कमाए या फिर से खा लिया था गए। एक्सक्यूज मी, ऑर्डर आया है आपका। क्या आप ही कुएं की शुद्ध चुड़ैल चुड़ैल की मात्रा बेटा? हाँ आपका ऑर्डर आया है। ये आपका एक रोस्टेड नवाब, तंदूरी बच्चा, अरे बटरी बच्चा बोला था, अब उसमें मैं क्या करूँ मैडम। और ये डेजर्ट में आपका आइसक्रीम। हाँ ठीक है, उस बाल्टी से नीचे भेज दो। बेटा हम कब से इस कुएं में रह रहे हैं, शर्मा जी की बेटी अन्ना बल्ले को देखा है? 400 मासूमों को मारा है डायन ने, 3 हॉलीवुड पिक्चर कर चुकी है, और अब इंडस्ट्री के सबसे सेक्सी सुपरस्टार तात्या बिच्चू को डेट कर रही है। कैसे हो तात्या, मैं तुम्हारे लिए फ्लावर्स लेके आई थी। ड्रेस खोलो एनाबेल। क्या तात्या, यहाँ कोई देख ले? बोला ना ड्रेस खोलो तो खोलो। सलमान रोमांटिक सीन के बीच में उन भूतिया डॉलों से खेलना प्लीज बंद करो। और माँ आप यहाँ टेबल बनी हुई हो। हमारी इंडियन मूवीज में भी भूतों को इतना अजीब दिखाते हैं। मैं अमिताभ बच्चन की भूतनाथ देख रहा था, उसमें 3 गाने हैं। ये एक हॉरर मूवी है। पूरी मूवी में मुझे सबसे ज्यादा हॉरर पता है क्या लग रहा था, कि चौथा गाना बच्चे और भूत के बीच में रोमांटिक ना आ जाए, वरना बर्फ में अमिताभ बच्चन शिफॉन साड़ी पहन के नाच रहा है, पीछे बच्चा भाग के आ रहा है और गाना बज रहा है बंकू भैया सावा सावा। बाहर की मूवीज में तुमने भूतों को देखा है क्या क्या करते हैं, और फिर इधर हमारे भूत है जिनको घड़िया पीछे करने के अलावा कुछ नहीं आता। अरे नहीं मैं ऑफिस के लिए लेट हूँ। एक सेकंड, मैं लेट नहीं हूँ। नहीं नहीं नहीं, शायद ये घड़ी झूठ बोल रही है, मैं दूसरी में देखता हूँ। यहाँ भी लेट नहीं हूँ। नहीं नहीं नहीं, ये भी झूठ बोल रही है। यहाँ भी लेट नहीं हूँ, यहाँ भी और यहाँ भी। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं बाहर जाके देखता हूँ। मुझे पहले से पता था मैं ऑफिस के लिए लेट हूँ। वूहू लेट्स गो बेबी। अरे नहीं मैं लेट होने पे इतना खुश क्यों हो रहा हूँ? अब सुन जरा, इधर आना। पीछे 12 घड़ियों में मैंने तुझे सेम टाइम दिखाया, तूने नहीं माना, लेकिन तूने ये एक घड़ी देख के मान लिया, तो ये भी तो गलत हो सकती है। अबे पागल वागल है क्या, उन 12 घड़ियों में तो सेल ही नहीं था। पागल दिखता हूँ इधर। ऐसे 2 बिल्ले घूमने जा रहे हैं और एकदम से एक काला नंगा आदमी उनका रास्ता काट के भाग जाता है। अबे हट यार, मोटे ने रास्ता काट दिया। क्या हुआ, तुम्हें नहीं पसंद क्या? मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं काले नंगे आदमी। अब नहीं मुझे भी पसंद है, मैं तो बचपन में सोता भी काले नंगे आदमियों साथ था, और मेरी दादी माँ तो 4 काले नंगे आदमियों साथ रहती थी। अरे वो देखो जाग रहा है उधर से, कुछ खिला के आती हूँ उसे। ए नंगू 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 नंगू।
क्या कर रहे हो स्वीट? क्या 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 उसने तुम्हारे बैग में दिखाना? वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जब तक बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय।